Hi kids, welcome to third standard English class. Today I come with lesson number 23. Lesson name is The Two Merchants of Seri. With the help of previous video, I explain this lesson up to, with the help of textbook, I explain this lesson up to here. Okay, and up to this we come to know that Seri is a name of place, and in Seri two merchants are there. Who and they move from one place to another place to sell their things, and in that village only a poor old woman and her granddaughter lived. Before a period of time they are rich, but due to some problem they became poor, and they had left of all their riches was a dish made of gold. They sold their things one by one, but only a gold dish remained with them. लेकिन एक सोने का प्लेट उनके साथ रह गया था. Now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my pens, buy my tinware. The granddaughter said, oh grandmother, do buy something for me. And the merchants move from one place to another place. Merchant एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे. ऐसा करते करते, by doing this, they come near to the poor family and they started to shout. वहाँ पर आकर, उस गरीब घर के पास आकर वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिए कि मेरे वाटर जार खरीदो, मेरे पाय पेन खरीदो, एंड टीन मा एंड ऑल्सो मेरे टीन वेयर भी खरीदो. ग्रैंड डॉटर लिसन्ड अ साउंड ऑफ मर्चेंट एंड सी सेड टू हिज ग्रैंड मदर दैट grandmother please buy something for me. मेरे लिए कुछ तो खरीदो. grandmother से कहा कि मेरे लिए कुछ तो खरीदो. my dear said the old woman, बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, we are too poor to buy anything. हम लोग बहुत ही गरीब हैं, हम that's why we cannot buy anything. इसीलिए हम कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं. आई हैव नॉट एनी थिंग टू ट्रेड इवन. मेरे पास नाउ आई हैव नथिंग. मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जिसको देकर मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकूँ. ग्रैंड मदर सेड, आई डोंट हैव एनी थिंग टू एक्सचेंज. मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं एक्सचेंज कर दूँ. Now look at her. Grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pans on the shelf. Granddaughter said to the grandmother that, see grandmother, I found this gold plate among the all dishes and all plates. मुझे ये सोने का प्लेट मिला. वी डू नॉट एवर यूज इट. सी ऑल्सो सेड दैट वी आर नॉट यूजिंग दिस, सो गिव इट एंड बाय समथिंग फॉर मी. उसने कहा, ये से दे दीजिए और हमारे मेरे लिए कुछ तो खरीद दीजिए. कैन वी ट्रेड दिस, सी आस्क टू ग्रैंड मदर. कैन वी ट्रेड मीन्स कैन वी एक्सचेंज दिस प्लेट बाय एनीथिंग. सी आस्क्ड ए परमिशन. वह अपनी दादी से परमिशन मांग रही है. परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट. सी वॉन्ट ए परमिशन फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड
वो ऐसे भी सोच रही थी कि वो गोल्ड डिश देकर वो कुछ तो नाइस कुछ अच्छा खरीदे। द ओल्ड वोमैन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शोड हिम द डिश सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल हेयर समथिंग फॉर इट। द ओल्ड वोमैन मीन्स ग्रैंड मदर कॉल्ड द मर्चेंट एंड शी शोड द गोल्ड डिश टू हिम एंड आस्क, सर प्लीज कैन यू टेक दिस एंड गिव समथिंग फॉर माई ग्रैंड डॉटर। उन्होंने कहा, क्या आप ये लेकर मेरे डॉटर के लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ दे सकते हो? द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच्ड इट्स साइड्स विथ ए नीडल। ग्रीडी लालची मर्चेंट ने डिश ले लिया। ही टेक द डिश एंड स्क्रैच विथ ए नीडल। उसने उस डिश पर सुई से स्क्रैच किया, मतलब निशान लगाया। ही केम टू नो इमिडिएटली दैट इट वॉज ए गोल्डन डिश। आफ्टर स्क्रैचिंग ही कम टू नो दैट इट वॉज ए गोल्ड डिश। बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वोमैन। लेकिन वो बिना कुछ दिए ओल्ड मैन से लेना चाहता था। सो ही सेड, व्हाट इज दिस अर्थ। इसीलिए दैट्स वाई उसने कहा कि ये क्या है, ये तो बेकार चीज़ है। नॉट एवर ए कॉपर कॉइन, सॉरी नॉट इवन ए कॉपर कॉइन, ये कॉपर भी तो नहीं है। ही थ्रू द डिस्क ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे। उसने वह डिस्क ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट। उसने वो डिश फेंक दिया और चला गया। द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड बाय द डिश फॉर ए फ्यू कॉपर क्वाइन एज इफ डूइंग ए ग्रेट फेवर टू द ओल्ड लेडी। लालची मर्चेंट का, द ग्रीडी मर्चेंट का प्लानिंग था कि वह थोड़ी देर बाद आएगा और उस डिश को खरीदेगा और उसके बदले में कुछ कॉपर के कॉइन दे देगा उस ओल्ड लेडी को मदद करने के रूप में। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एक्सप्लेन द लेसन अप टू हेयर। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एक्सप्लेन दिस लेसन अप टू हेयर। नाउ विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट। ओके।